तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गोवन मुसाफिर। तो आज गोवा आने के बाद बड़ी दिनों के बाद आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग जो आज जा रहे हैं वो प्लेस का नाम है तेरेकोल बीच, जिसको केरिम बीच भी कहा जाता है। तो गोवा बीचेस के लिए बहुत जाना जाता है और बहुत ही मशहूर है। तो आज हम जो जा रहे हैं वो फैमिली पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो हमारे ये चाचा है पीछे, इनकी फैमिली और हमारी फैमिली, और ये मेरे चाचा का लड़का, आप जानते ही हो इसको, पी टाउन बॉय। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पहुँच कर आपको बताएंगे कि ये बीच कैसा है और हम लोग वहाँ पे क्या क्या करते हैं, इन्जॉयमेंट जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे और बीच के बारे में भी जानकारी देंगे आपको। तो अच्छा पिकनिक होने वाला और बड़े टाइम के बाद हम लोग जो है पिकनिक के लिए जा रहे हैं। आई थिंक बहुत सालों के बाद जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत कम ही होता है, क्योंकि मैं अब्रॉड में होता हूँ तो बहुत कम होता है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे इस वीडियो में। तो गाइज, फाइनली हम निकल चुके हैं तेरेकोल बीच के लिए और अब हम रास्ते में हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो कैमरा जो है शाहिद के हाथ में रहेगा। तो गाइस, फाइनली हम लोग तेरेकोल यानी कि केरी बीच पे पहुंच चुके हैं। बट अभी जो है हम लोग सेटल होने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम अच्छे से बैठ सके, खा पी सके। फैमिली है तो फैमिली के बैठने लायक जगह, और उसके बाद में आपको यहाँ का एकदम अच्छी तरीके से, खूबसूरती से यहाँ का नज़ारा बताऊँगा। फिर आप लोग देख लेना कि ये बीच कैसा है। वाकई में बहुत खूबसूरत है। गोवा का हर एक बीच यूनिक है और खूबसूरती से भरा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल हम लोग जो गाड़ियाँ यहाँ पे से गाड़ी जाती है तो देखना है, क्योंकि रेत है, फंस ना जाए। मेरी तो टाटा नेक्सॉन है, थोड़ा टर्बो इंजन है, तो मैं आगे जाऊँगा, मेरे पीछे जावेद अपनी गाड़ी लेके आएगा। फिर सही तरीके से हम लोग पहले सेटल होते हैं, फिर चलिए आपको फिर बाद में दिखाते हैं। पहले हमें सेटल होने दीजिए। तो गाइस, सेट हो चुके हैं हम लोग। ये हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क है और वो पीछे जो जगह है वहाँ पे हम लोग बैठेंगे और अपना लंच करेंगे। लंच के बाद जो हमारा प्लान है, हम लोग जो सी में जो बीच में जो नहाने जो जाएंगे वो लंच के बाद जाएंगे। कब जाओगे लंच के बाद? तो अभी थोड़ा बहुत हमने फिश वगैरह लाया है, उसका हम लोग देसी स्टाइल से थोड़ा कुकिंग वगैरह करेंगे। मेजोरिटी तो खाना हम लोग बना के लाए हैं, थोड़ा सा है जो गोवन तरीके से हम लोग करेंगे, जो पकाएंगे, जो भुनेंगे फिश को, मैकरल को। चलिए सबसे आपका परिचय करवाते हैं। ये देखिए चाची है, राजिया है और मेरी वाइफ, और यहाँ पे है मम्मी और मुन्नी, जानते हो उसको ना, और ये है मेरे अब्बा। हेलो अदर बेटर चक्करदारी, और यहाँ पे पीटाउन बॉयज को तो देखते हो, ये है हमारा छपरी। चलिए आपको मैं आगे बीच का व्यू दिखाता हूँ, जो आपको बहुत समय से मैं दिखाने वाला था। तो चलिए तेरेकोल बीच यानी कि केरी बीच का नज़ारा दिखाता हूँ आप। तो गाइस, ये है बीच के किनारे पे हूँ मैं, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये फुटपाथ बना हुआ है और ये पत्थर डाले हुए हैं गवर्नमेंट ने, और ये रहा साहब। हेलो इमान, हाय।
अच्छा है, बहुत अच्छी हवा भी आ रही है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं फिर, अपनी बाकी की तैयारियाँ करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और ये देखिए जा रहे हैं पूरे। चाचा जो है ढोकला बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, तो उन्होंने हमारे लिए जो है ढोकला बना कर लाए हैं। तो अभी ढोकला खाने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। ढोकला खाने के बाद जो है हम लोग मैकरल को आग में लगा के भुनेंगे और फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे उसको। ये रहा चाचा जी का ढोकला, इसको इन्होंने बनाया है। ये देखिए कैमरा मैन, इन्होंने बनाया हुआ इसको। गाइस ये देखिए एकदम जूसी और टेस्टी वाला ढोकला जो चाचा बना के लाए, तो खा रहा हूँ, देखिए टेस्ट कैसा है। एज यूजुअल टेस्टी है। चलो भाई वाटर भी यहाँ पे हेल्प के लिए है। इमाद तो गाइस फाइनली आग जल चुकी है बहुत टाइम से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विंड चल रही है, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, तो उस वजह से जो हम लोग लगा रहे थे आग वो टिक नहीं रही थी। तो अब लग चुकी है आग और अब हम लोग उसमें फ़िश जो है मैकरल फिश उसको हम लोग अभी उसमें आग में रख के ऐसे ही दे एकदम वाइल्ड तरीके से उसको हम लोग भुनेंगे। तो ये देखिए शाहिद के हाथ में जो है मैकरल छोटे से, बाकी का सब हम बना के लाए हैं। तो ये जो मैकरल है ये मैकरल इस आग में जाएगा अभी। अंदर चिमटा ला भी तेरा पकड़ से उधर से। तो गाइस आग को हमने भुजो दिया है, इस पर पानी डाल के उसको थोड़ी देर में ठंडा करेंगे। ये रहा एकदम देसी स्टाइल में मतलब बांगड़ा हमने भून लिया है। गोवा में ऐसे घास में इसको भुना जाता है रेती बेती से बचा के। तो देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है ये। तो इसको गाइस हल्के से ऐसे आपको अगर छिलका हटाना है हटाइए, फिर इसका जो मांस है लीजिए और इसको देखिए। पता नहीं हर किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी, बट गोवंस को लाजिम पसंद आएगी, जो मच्छी खाने वाले उसको पसंद आएगी। बाकी आप भी ट्राई करके देखिए और खाइए। तो गाइस मैकरल फ्राई भून के हमने खा लिया,
अब हमारा टाइम है, हम लंच करेंगे प्रॉपर। हमारा जो लंच हम लोग लाए हैं वो खाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे बीच पे नहाने। खाना लग रहा है यहाँ पे, दिखाते हैं खाने में क्या क्या लेके आए। क्या लाए चाची? पुलाव है चाची ने, पुलाव बनाया है और इमाद उसको पूरा पुलाव पुलाव कर रहा है। फिर ये रहा हमारे यहाँ से है वाइट राइस, वो है नीचे जो है वो है खिचड़ा, और ये फिश हम लोग लाए थे, फिश है और भी कुछ चीज़ें हैं, बैगन, अचर, कैरी। तो गाइज ये रही हमारे आज की लंच प्लेट, तो आपको बताते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखिए दो तरह की मछलियाँ, ये मछली का नाम मुझे नहीं पता, सुबह हम लोग लाए थे इसको, और ये है मैकरल, ये है खिचड़ा, ये है पुलाव, वाइट राइस दाल, बैगन और अचार। तो ये अभी हमारा है लंच प्लेट। तो शाहिद भाई रेडी लंच के लिए आप? तो गाइज खाने का टाइम हो चुका है, मेरा तो प्लेट लग गया है, तो मैं खा रहा हूँ अभी, आप लोग भी खाएं और हमारे वीडियो को देखते रहें। खाना बहुत टेस्टी है, चलिए खाता हूँ मैं, मन लगा के खाता हूँ। तो गाइस हमारा तो खाना हो चुका है, मेरा, जावेद का, साहिद का और चाचा का हो चुका है। आप जो है ये औरतें खा रही है, अभी इनका खाना हो रहा है और इनका तक अभी तक नहीं हुआ खाना, ये अभी किसी को खाने नहीं दे रहे, बाद में खाएंगे ये सबका खा कर होने के बाद। देखिए ना बोल रहा है, तो उसको बड़े इत्मीनान से खाना खिलाना पड़ता है, तो सब थोड़ा खा भी के सेटल होके उसको खिलाएंगे। और अब मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली हमने ना आइस बकेट नहीं लाए, आइस बैग जो होता है वो नहीं लाए हम लोग, तो पानी भी गर्म हुआ हुआ है। आगे जा रहा हूँ, आगे वहाँ पे कुछ शॉप्स है और वहाँ पे जाके मैं लाऊँगा कुछ सॉफ्ट ड्रिंक और पानी, देखते हैं मिलता है तो लाते, नहीं तो ऐसे वापस आना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी है तो यहाँ पे स्किन थोड़ी ऑयली और थोड़ी डार्क होने लग रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सामने। हम लोग अब फाइनली पानी में नहाने के लिए जा रहे हैं बीच पे, चलिए आपको पानी का माहौल दिखाते हैं कैसा है। तो गाइस पीछे देखिए कितना खूबसूरत सा बीच है, केरी बीच, केरिम बीच है और तेरेकोल बीच भी कहते हैं। देखिए सब लोग रेडी है यार, हम जा रहे हैं अभी। तो गाइस फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप लोग गोवा में आ रहे हो तो तेरेकोल बीच, केरिम बीच तो फैमिली के लिए अच्छी जगह है, ज़्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं है। और अगर आप एक थोड़ा सा प्राइवेट टाइम यहाँ पे बिताना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, अगर आपको ज़्यादा क्राउड नहीं पसंद है तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। दिखाता हूँ मैं आपको कितना क्राउड होता है यहाँ पे, आज संडे है फिर भी इतना सा ही क्राउड है, देखिए बस इतना सा क्राउड है यहाँ पे। चलिए गाइस नहाते हैं अभी, नहाते हैं और
गैस तो अभी हमारा इधर बीच पे नहा के हो चुका है, अब हम जाएंगे घर क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब देखिए यहाँ पे बीच पे लोग भी बहुत आ रहे हैं, वो सब है मुन्नी दीदी, फौजिया चाची, अम्मी, और ये हमारे टाउन बॉयज आ गए हैं ऊपर, और जावेद भी नीचे है। जावेद चलो, हो गया सब, चलो देख लीजिए एक झलक। सब तैयार हो चुके हैं, कपड़े चेंज कर चुके हैं, और सब लोग देखिए, वो देखिए, इसको देखिए, हाँ नहीं पेन क्या है, तो गाइस तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमारे चैनल द गोवन मुसाफिर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।